वेलकम ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस न्यू कंसेप्ट वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे हमें रेड एंड ग्रीन बैंड्स या रेड एंड ग्रीन बॉक्स कैसे हमें इनमें ट्रेड्स प्लान करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एक एग्जीक्यूशन फॉर्मेट एक्सप्लेन किया गया है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है कि आपको कंसोलिडेशन जोन चेक करना है। कंसोलिडेशन जोन के साथ अगर आपके पास रेड एंड ग्रीन बैंड्स या रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस अवेलेबल है तब जाके आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स आपके प्लान करने हैं। यहाँ पे जैसे हमने मेंशन किया है रेड बैंड के ऊपर हमें बुलिश व्यू रखना है, सेम बेस ग्रीन बैंड के नीचे हमें बेरिश व्यू रखना है। अब हमें फर्स्ट कंसेप्ट समझना है क्या होते हैं ये रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस या रेड एंड ग्रीन बैंड्स। चलिए अब समझते हैं ट्रेड ब्लू चार्ट्स पे। यहाँ पे अगर आप देखते हो कोई स्टॉक्स में रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, सेम वेज अगर आप देखोगे तो कोई स्टॉक्स में रेड एंड ग्रीन बैंड्स अवेलेबल होते हैं। तो रेड एंड ग्रीन बैंड्स एंड रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस ये आपको बिफोर द मार्केट स्टार्ट आपके ट्रेड क्लू चार्ट्स पे दिए जाते हैं। मतलब आपको बिफोर द मार्केट स्टार्ट यहाँ पे पता चल जाता है आपके ब्रेकआउट जोन्स क्या है। नाउ मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस या रेड एंड ग्रीन बैंड्स। तो ये बेसिकली रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस एंड रेड एंड ग्रीन बैंड्स आपके डिमांड एंड सप्लाई जोन्स है। सो ये आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन्स इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट आपके ट्रेड क्लू चार्ट्स पे अवेलेबल है। तो रेड बैंड या रेड बॉक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग जोन एक्यूमुलेट हो चुकी है। अगर प्राइस रेड बैंड के ऊपर ब्रेक कर जाती है तो बेसिकली हमें बुलिश व्यू के लिए प्लान रखना है। सेम वेज अगर प्राइस ग्रीन बैंड के नीचे ब्रेक करती है दैट इज ये बाइंग जोन है, अगर बायर्स को ट्रैप कर जाएगी तो बेसिकली हमें बेरिश व्यू के लिए प्लान करना है। सो दिस इज बेसिकली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायर एंड सेलर ट्रैप सिनेरियो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए प्लान करते हो यूजिंग रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस या रेड एंड ग्रीन बैंड्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्रीवियसली एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है मार्केट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमें आफ्टर मार्केट से स्टॉक सिलेक्ट करने एंड सेम वेज उन्हीं स्टॉक्स को कैसे हम लाइव मार्केट आज में चेक कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमेशा आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते कुछ केसेस के साथ। यहाँ पे हमने आफ्टर मार्केट स्टॉक में से कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए गए जिसको हम लाइव मार्केट स्कैनर के अंदर चेक करेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा फ्रॉम दी आफ्टर मार्केट स्कैनर। सो आफ्टर मार्केट स्कैनर ऐसा स्कैनर है जिससे आपको ईओडी एनालिसिस सिंपल हो जाएगी। दैट इज बिफोर द मार्केट स्टार्ट आप कुछ स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, इन स्टॉक्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो क्या ये ब्रेकआउट के लिए अच्छे है, और उसी फॉर्मेट को आप बेसिकली लाइव मार्केट आवर्स में चेक कर सकते हो। लाइव मार्केट आवर्स में जो भी स्टॉक्स अपडेट किए जाएंगे वो बेसिकली वो स्टॉक्स होंगे जो रेड एंड ग्रीन बैंड क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने टेक महिंद्रा सिलेक्ट किया, तो टेक महिंद्रा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जहां पे आप बिफोर द मार्केट स्टार्ट आप देख सकते हो एक कंसोलिडेशन जोन है एंड रेड बैंड है। तो ये बेसिकली आपको बिफोर द मार्केट स्टार्ट की स्टोरी पता चल गई। ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आज आपको टेक महिंद्रा का आप जैसे देख सकते हो 1:15 पीएम को यहाँ पे अपडेट आ जाता है। लाइव मार्केट आज में आपको यहाँ पे लाइव अपडेट आ जाता है दैट इज एज पर दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने क्लोज कर जाता है रेड बैंड के ऊपर यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाता है। एंड ऐसे फॉर्मेट के ट्रेड्स हमने यूजुअली हमने देखे हमारे ट्रेड ब्लू प्रीमियम अपडेट्स में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टेक महिंद्रा जैसे ही यहाँ पे फॉर्मेशन मिल जाता है आपको एक रॉकेट मूव यहाँ पे देखने मिल जाती है। चलिए समझते एक अपोजिट अपडेट दैट इज एज पर दी बायर ट्रैप सिनेरियो डीएलएफ। डीएलएफ आप देखोगे तो प्रीवियस डे कंसोलिडेशन जोन में था नियर टू द ग्रीन बैंड जोन। ग्रीन बैंड के साथ आप देखोगे यहाँ पे प्राइस फ्लैट ओपन हो जाती है। ये स्टॉक बेसिकली अवेलेबल था आपके पास बिफोर द मार्केट स्टार्ट फ्रॉम द रेड एंड ग्रीन बैंड स्कैनर। तो यहाँ पे ईओडी एनालिसिस में आपको स्टॉक तो मिल गया बट यहाँ पे आपको लाइव अपडेट भी मिल जाता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लाइव अपडेट फ्यू अपडेट्स होते हैं, जो भी स्टॉक्स ब्रीच करेंगे आपके लेवल्स को वो ही अपडेट यहाँ पे मिल जाएंगे। जस्ट आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे जैसे प्राइस ने ब्रीच किया ग्रीन बैंड को जैसे ही ब्रेक किया आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे हमने आपको बताया ये एक साइकोलॉजिकल अपडेट है। जैसे ही प्राइस ग्रीन बैंड को ब्रेक कर जाता है यहाँ पे आपको पता है ग्रीन बैंड मतलब मेजर बाइंग जोन। अगर यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो जाते हैं दैट इज अगर बायर्स यहाँ पे अटक गए तो बेसिकली बायर्स डर जाएंगे और उसके कारण आपको अपोजिट साइड पे एक डाउनफॉल देखने मिलेगा। और सेम फॉर्मेट के साथ जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक कर गया एंड यहाँ पे आपको एक वन वे यहाँ पे डाउनफॉल देखने मिल जाता है जो इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन इमेज में एक्सप्लेन किया गया है। ग्रीन बैंड के नीचे जैसे ही ब्रेक कर दिया आप देख सकते हो एक बेरिश मूव हमें देखने मिलेगा। तो ये थे बेसिकली टेक महिंद्रा एक बुलिश साइड का अपडेट, सेम वेज डीएलएफ एक बेरिश साइड का अपडेट। चलिए देखते हैं और एक अपडेट अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स भी सेम फॉर्मेट के साथ जैसे हमने डीएलएफ में देखा ग्रीन बैंड के नीचे सेल ऑफ, सेम फॉर्मेट के साथ अपोलो टायर्स ने जैसे ग्रीन बैंड तोड़ दिया यहाँ पे कंसोलिडेशन बन जाता है, कंसोलिडेशन के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाता है। सिमिलर वेज में आप देख सकते हो यहाँ पे 10:15 एएम जैसे प्राइस ने ब्रेक किया मॉर्निंग आवर में आपको यहाँ पे अपडेट मिल गया। यहाँ पे लाइव अपडेट आना इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे आपके ट्रेड्स प्लान करोगे, हमेशा आप प्राइस एक्शन चेक करिए। प्राइस एक्शन का मीनिंग ये होता है कि आप पहले स्ट्रक्चर समझिए,
स्ट्रक्चर के साथ आप देखिए वहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है या डायरेक्टली वन वे ब्रेकडाउन हो रहा है। डायरेक्टली अगर वन वे ब्रेकडाउन होता है तो आप इनिशियल क्वांटिटी इनिशिएट कर सकते हो, सेम वेज अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप परफेक्ट वे में फुल क्वांटिटी यहाँ पे आपकी इनिशिएट कर सकते हो। सो ये था अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स के बाद अगर आप भारत फोर्स का अपडेट देखते हो, आरजी बैंड बुलिश, दैट इज हमें बुलिश साइड के लिए प्लान करना है। जैसे प्राइस ने रेड बैंड ब्रेक किया यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, ग्रीन डॉट्स भी आ जाते हैं, ग्रीन डॉट्स का भी कंसेप्ट फॉलो थ्रू हो जाता है और वन वे यहाँ पे रॉकेट मूव देखने मिल जाते हैं। ये सारे ड्रास्टिक मूव्स अपोलो टायर, भारत फोर्ज, टेक महिंद्रा में क्यों देखने मिल रहे हैं एज पर दी कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने मेंशन किया एक साइकोलॉजिकल मूव्स है, ये एक प्राइस एक्शन कंसेप्ट है। प्राइस एक्शन के साथ डिमांड एंड सप्लाई को मिक्स किया गया है, उसके साथ आपको ट्रेड लूप यहाँ पे अपडेट्स मिलते जाते हैं। यहाँ पे कोई हम इंडिकेटर यूज नहीं करे, उसके साथ अगर आप एडिशनली यहाँ पे लेवल अपडेट कर जाते हैं तो आपको पता चल जाता है ऑप्शन लेवल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल मैक्स कॉल हुआ है। मैक्स कॉल हुआ है लेवल का ये मतलब हो जाता है यहाँ पे कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, दैट इज यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में कॉल बेचे गए। पुट ओआई है मतलब यहाँ पे पुश भी आ जाएगा, उसके साथ ही साथ रेड बैंड है मतलब यहाँ पे सेलर्स भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने ट्रैप कर जाता है, दैट इज कॉल सेलर्स भी ट्रैप हो गए और हैवी क्वांटिटी में जो सेलर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे ऑलरेडी, जिन्होंने बेरिश पोजीशन बनाई थी वो भी ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो वन वे यहाँ पे रॉकेट मूव देखने मिल जाते हैं। सो ये एक पिक्चर परफेक्ट ट्रेड्स हो जाते हैं अगर आपको इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में मिल जाते हैं। बाकी अगर आप देख सकते हो तो वन वे भी स्टॉक्स चले जाते हैं, जैसे एक्साइड इंडस्ट्री प्राइस ने ब्रेक किया, वन वे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। सेम वेज अगर आप देखते हो आईएक्स प्राइस गैप अप ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे अपसाइड देखने मिल जाती है। तो ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स भी आप चेक कर सकते हो, बट पिक्चर परफेक्ट स्ट्रक्चर वही होता है जो आपका एग्जीक्यूशन फॉर्मेट फॉलो करता है। सो इस वीडियो द्वारा हमने यही समझाया कि कैसे रेड एंड ग्रीन बैंड को आपको आपके डेली ट्रेड्स में यूज करने हैं। तो अगर आप खुद से भी इन सारे स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करते हो तो भी आपको एक परफेक्ट सिनेरियो ट्रेड्स मिल जाएंगे। जैसे हमने रेड एंड ग्रीन बैंड्स के ट्रेड प्लान किए एज पर दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन कंसेप्ट, सेम एग्जीक्यूशन के साथ आपको रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस के भी ट्रेड्स प्लान करने हैं। चलिए देखते हैं एक ट्रेड रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस के अंडर। लाइव मार्केट में आपको देखना है ब्रेकआउट स्कैनर। ब्रेकआउट में आप देख सकते हो अदानी पोर्ट स्टॉक एक अपडेट आ चुका है 11:20 AM ब्रेकआउट बेरिश, दैट इज हमें बेरिश साइड के लिए प्लान करना है। जैसे हमें पता है ग्रीन बैंड के नीचे हमें बेरिश व्यू रखना है, सेम फॉर्मेट के साथ आप देख सकते हो रेड बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और जैसे आप देख सकते हो प्रीवियसली मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, जब भी कंसोलिडेशन जोन में मार्केट चल रहा है और रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस या रेड एंड ग्रीन बैंड्स मिल जाते हैं तब बेसिकली हमें ब्रेकआउट फॉर्मेट के ट्रेड्स प्लान करने हैं। सेम फॉर्मेट है ग्रीन बॉक्स का, ग्रीन बॉक्स यहाँ पे मेजर बाइंग जोन है, अगर यहाँ पे बायस ट्रैप हो जाते हैं आप देख सकते हो वन वे डाउनफॉल मूव देखने मिल जाती है। सो ये था बेसिकली एक एग्जीक्यूशन एज पर रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस, एज पर रेड एंड ग्रीन बैंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी ट्रेड यू शुड कीप योर स्टॉप लॉस, दैट इज अगर आप स्टॉप लॉस प्रॉपरली मेंटेन करोगे तब जाके आपको एक परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। तो सिमिलर वेज अगर आप बाइंग साइड के लिए प्लान करो तो मेक श्योर करें कि आप रेड बैंड के नीचे स्टॉप लॉस आपका मेंटेन रख सकते हो, जैसे ये पर्टिकुलर इमेज में एक्सप्लेन किया गया है। सिमिलर वेज अगर आप बेरिश साइड के लिए प्लान करो तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा अबव द ग्रीन बैंड या जो भी स्विंग लो हो या ट्रेड लो लेवल हो उसके ऊपर आपको रखना होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो ट्रेडर्स एंड मेक श्योर करें कि आप ट्रेड लू का ब्रेकआउट ट्रेडिंग का कंसेप्ट जरूर यूज करें इन योर डे टू डे इंट्राडे ट्रेडिंग। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।